प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आदर्शनगर की ओर से आजादी के 75वें अमृत महोत्सव स्वर्णिम भारत की ओर के अंतर्गत राजयोग द्वारा नशा मुक्त भारत के उपलक्ष्य में एक विशाल और भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। ये बाइक रैली तिरंगे और शिव ध्वजों व नशा मुक्त स्लोगनों से सुसज्जित थी। वहीं इस रैली को ब्रह्म कुमारी की बहनों संधीरा बहन, विजय बहन, लक्ष्मी बहन, तृप्ता बहन, सीमा बहन, शिखा बहन, सुशीला बहन, सिमरन बहन के साथ सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर के महासचिव राजेश विज और राजकुमार मदान ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बाइक रैली ब्रह्म कुमारी आश्रम आदर्श नगर से शुरू होकर विभिन्न चौकों से होती हुई श्री देवीतला मंदिर में पहुंची, जहां पर मंदिर कमेटी के महासचिव राजेश विज व अन्य सदस्यों ने इस रैली का स्वागत किया। इस दौरान सभी ने श्री देवीतला मंदिर में माथा टेका। इस दौरान सभी बहनों व भाइयों को माँ की चुनरी देकर सम्मानित भी किया गया, जिसके पश्चात ये रैली माहिरा गेट साइंदा स्कूल से होती हुई दोबारा ब्रह्म कुमारी आश्रम में आकर संपन्न हुई। इस दौरान रास्ते में जेल रोड पर क्लॉथ एसोसिएशन द्वारा कंपनी बाग चौक में क्रीमिका द्वारा और माहिरा गेट में माता पुष्पा द्वारा रैली का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं प्रशासन द्वारा इस रैली को लेकर सुचारू ढंग से व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर मान भाई, सुरेंद्र भाई, परमिंदर भाई, डॉक्टर आरएल बसन, कृष्ण मिगलानी, सुभाष, रोहित, सागर, राजकुमार, जनकराज, महेश डोगरा, निशु भाई और सभी बहनों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। कि मंजिल दूर और सफर बहुत है, मंजिल दूर और सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिकर बहुत है, मंजिल दूर और सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिकर बहुत है, अरे मार डालती है दुनिया कब की हमें, लेकिन माँ तेरी दुआओं में असर बहुत है। दुखने बहुत सारी रैलियाँ, ऐसे अनेक सम्मेलन, अनेक यात्राएं, मोटरसाइकिल यात्रा, अनेक ऐसे प्रोग्राम भारत सरकार के साथ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मिलके ये कार्य कर रही है। इसका जो उद्घाटन है 20 जनवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ, तो ऐसे पूरे साल में 15,000 प्रोग्राम करने की योजना है और लगभग 10 करोड़ आत्माओं तक पहुंचने के लिए
अलग अलग विंगों के प्रोग्राम हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सम्मेलन हो रहे हैं। तो आज ये यात्रा नशा मुक्ति की यात्रा है और पूरे शहर में घूमें और लास्ट में यहाँ देवी तालाब में आए। तो आप सबका भी बहुत बहुत थैंक्स है, बहुत अच्छी तरह यहाँ स्वागत हुई और यही हम चाहते हैं कि आगे भी हम सब मिलकर इस देश को, इस समाज को हम नशा मुक्ति बनाएं, नशा से मुक्त कराएं। आज जो ये रैली निकाली गई अमृत का महोत्सव आज़ादी से स्वर्णिम भारत की ओर, इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की रैलियां पूरे भारतवर्ष में चल रही है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ये अभियान जारी किया गया है और जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, बीजारोपण किया था। अभी हम सब जानते हैं कि भारत वैसे तो आज़ाद हो चुका है, लेकिन संपूर्ण आज़ाद हम तब हो सकते हैं जब हम अपनी बुराइयों पर जीत पाएँ, तो नशे से मुक्त हो सकें। पूरे भारत देश को हम नशे से मुक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जन जन तक ये संदेश पहुंचाना होगा कि कैसे हम नशे से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि दवाइयों के द्वारा हम देखते हैं बहुत सारे लोग नशे से मुक्त होने की कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। लेकिन परमात्मा ने राजयोगा मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक हम सबको सिखाई है जिसके द्वारा हम संपूर्ण विकारों के ऊपर भी जीत पा सकते हैं और नशे के ऊपर भी हम विजय पा सकते हैं। नशा मुक्त जीवन, व्यसन मुक्त जीवन हम जी सकते हैं, जिसके कारण हमारा भारत देश संपूर्ण आज़ाद हो पाएगा। सर्वप्रथम मैं आदरणीय जेश विज जी का संस्था की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस अभियान में व्यक्तिगत रूप से शामिल होकर और संस्था देवी तालाब संस्था में हमारी आदरणीय बहनों का और पूरे जो अभियान के लाभधारी थे एवं भागदारी थे उनका तहे दिल से स्वागत किया। मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। तो इस अभियान का मेन लक्ष्य नशा छुड़ाना और दूसरा नशा लगाना। ये जो नशा इंसान के बुद्धि को, शरीर को विनाश करता है, उसको छुड़ाना और ईश्वरीय नशा जिससे कि बुद्धि की उन्नति होती है, आत्मा का विकास होता है, घर से कला क्लेश मिटती है और इंसान सही मायनों में एक नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन जी सकता है, उस ईश्वरीय नशे को लगाना, ऐसे अभियान का आज आयोजन किया गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय एवं ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान से ऐसे पूरे भारतवर्ष में अभियान चल रहे हैं। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 407 आदर्श नगर की तरफ से एक साइकिल मोटरसाइकिल यात्रा का आयोजन किया गया जिसका मुख्य लक्ष्य नशे से लोगों को छुड़ाना और नशा कैसे छूटे इसके लिए राजयोग का अभ्यास और मेडिटेशन के द्वारा हम नशा छुड़ाते हैं। ये अभियान जो है पूरे शहर में होके निकला और देवी तालाब मंदिर में इसका समापन हुआ। हम देवी तालाब प्रबंधक कमेटी का और राजेश जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्वागत।